महीने के अंदर 140 बढ़ जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। आज वो चूड़ियां जाके क्यों नहीं पहनाती मोदी जी को, जब मनमोहन सरकार थी वहां तो बड़ी जल्दी चूड़ियां उन्होंने एलपीजी गैस के दाम महंगे होते ही बोल दिया था। When the international market crude price is going down without any reason, the central government has increased the price of LPG. This is an exploitation of the poor people of this country and we will fight against this injustice against the people. ये सिर्फ ना ही उनकी असंवेदनशीलता व्यक्त करता है बल्कि बताता है कि सरकार का कोई एक्शन प्लान रेडी नहीं है ताकि देश का जो नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, वो इस मार को इससे परे हो सके, इसको आज वो झेल नहीं पा रहे हैं। और आज घर का बजट, महिलाओं का बजट पूरी तरह से हिला हुआ है। हर चीज की कीमतें बढ़ा रहे हैं, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार और दिल्ली में बैठी हुई आम आदमी सरकार। आम आदमी पार्टी ने ये हालत कर दी, आज प्याज के दाम, टमाटर के दाम, लहसुन, हर चीज के कीमतें बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने किसी भी जमाखोर के ऊपर छापा नहीं डाला। ये दर्शाता है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी ये मिलके ये सारा काम करवा रहे हैं। जितनी महंगाई बढ़ रही है इन दोनों की मिली एहसान का। आज के जो जितनी महंगाई है, जो छोटी छोटी चीजें हमारी जो, उनको कम कर देंगे। विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए, सेंट्रल इलेक्शंस दोबारा से होने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री बदला जाए। नरेंद्र मोदी को और ये अमित शाह को यहाँ से भगा देना चाहिए। मैं एक्चुअली मेरी सरकार से पहला सवाल तो ये है कि उनके जितने मित्र हैं गैस एजेंसीज, पेट्रोलियम वाले, वो कितने कितने घाटे में है कि उनकी संपत्ति तो बढ़ रही है, उनकी अपनी संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन सिलेंडर का दाम वो इस तरह से बढ़ा के आम आदमी की और नॉर्मल आदमी के घर के किचन से जो जिस तरह से ये निकाल रहे हैं ना पैसा, तो वो मेरे लिए एक सवाल का विषय है। हम मांग करते हैं कि जो दाम बढ़े हुए हैं उनका वापसी की जानी चाहिए।